देखिए महिला कार्यकर्ता भी हैं जो सड़कों पर उतरी हुई हैं और इसके लिए महिला पुलिस भी लगाई गई है। उनको भी उठा उठाकर बसों में भरा जा रहा है। पुलिस की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो। और उधर कांग्रेस कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है जिसे पुलिस छीन रही है, जिसे सरकार की तरफ से छीना जा रहा है। ये देखिए कैसे बसों में जबरदस्ती उठाकर भरा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें प्रदर्शन करना है, चूंकि ईडी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। तस्वीर आप देखिए, जब डिटेन किया गया श्रीनिवास दुबे को, आप देखिए बस में उन्हें डाला गया गेट से, वो फिर बाहर आ रहे हैं, उन्हें फिर अंदर डाला जा रहा है, वो फिर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब तक ये झूठा केस चलता रहेगा, हमारा संघर्ष रुकेगा नहीं। हिरासत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को लिया जा रहा है, लेकिन उस तरफ से भी अपनी पूरी ताकत ये लोग झोंक रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है, लेकिन उस दौरान की स्थिति किस तरीके से पैदा हो रही है, टकराव पैदा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रदर्शन करना है, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पुलिस उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। इसीलिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है, क्योंकि दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि वो प्रदर्शन करे, तो वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैनात है। उनकी कोशिश ये है कि किसी को भी सड़क पर झुकने नहीं दिया जाए, किसी को भी प्रदर्शन नहीं करने दिया जाए। और इसी का हवाला कांग्रेस दे भी रही है, तीखे आरोप लगा रही है, सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है। अब ये पूरा संग्राम क्यों देखने को मिल रहा है, ये सियासी हंगामा क्यों बरपा है, इसके पीछे वजह यह है कि राहुल गांधी आज दूसरे दिन ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।